वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, क्या हाल है सब? क्या आई होप आप अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ की गर्मी खतरनाक है। दिन में यहाँ पे बहुत ही कम बंदे चल सकते हैं क्योंकि मेरी हालत पूरी खराब हो रही है। देखो पसीना एंड वो गर्म फील हो रहा है, ये रेगिस्तान है ना भाई सजी में। एंड हियर इज पोर्शे GT3। यहाँ पे आप लोगों को गाइस जी वैगन सब कुछ दिख जाएगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप ट्रैवल करोगे आराम से, आप लोगों को खतरनाक से खतरनाक सुपर बाइक्स दिखेंगी। सुपर बाइक्स को देखते देखते ही आपको सुपर कार्स दिखेंगी, वो भी भाई 25-25 करोड़ रुपए की। देखते देखते भाई लैम्बोर्गिनी, बहुत सारी गाड़ियां यार सेम है। जो बंदा यहाँ पे चलता है ना, खाली उसको यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, खाली यहाँ से। एंड जब आप क्रॉस करोगे ना यहाँ से, ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये चक्कर रुक गए आराम से। यहाँ पे चलने का सीन भाई अलग है, यहाँ पे कितनी भी स्पीड में गाड़ी होगी ना वो रुक जाएगी आराम से, फ्रीली बंदा चल सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस खतरनाक है यहाँ के। फिलहाल के लिए अभी हम चलते हैं अल मदीना मार्केट में, यहाँ पे कुछ लेते हैं पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक। चलिए अभी जस्ट गाइस मैंने एक पेप्सी और एक चिप्स पैकेट ले लिया, ये मेरे को मिल गया 6 रुपीज़ में, मीन्स 6 दिरहम में, वो हो गया सेम है यार। बहुत यहाँ पे बहुत पैसा उठ जाता है, नॉर्मली बंदे को आराम से भाई 2-3 लाख रुपए उठ जाएंगे अगर आपको शौक अपने देखने हैं। अगर विदाउट शौक चलोगे तो यार 1-1.5 लाख रुपये में हो जाएगा सीन कम्प्लीट। ये रही रेंज रोवर एंड हम आराम से चलेंगे, हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। गाड़ी कितनी भी स्पीड में रुक जाएगी। मैंने ये रही यहाँ की खूबसूरत मस्जिद मेरे घर के नज़दीक। अभी मेरे को चलते चलते ना पूरी हार्ट बीट तेज हो गई, पूरा सिर गर्म हो गया। विंटर्स में बंदा आना चाहिए यहाँ पर, अगर भाई गर्मियों में आ गया बंदे की हालत ख़राब हो जाएगी। बहुत ख़तरनाक गर्मी है, बंदा यहाँ पर रह पाता नहीं है दिन में। विंटर्स में आना, गर्मी में नहीं आना, हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ की बिल्डिंग्स में मज़ा आता है, जैसे आप बाहर निकलोगे ना भाई पूरा जल जाओगे। अभी जस्ट मैंने फ्लैट में आराम किया क्योंकि बाहर से बंदा नहीं चल पा रहा है भाई, बहुत ख़तरनाक गर्मी है। ठीक है, मॉल्स के सहारे चलना पड़ता है। ये छोटा सा मॉल चेक कर सकते हो, कितना खूबसूरत है सही में। यहाँ पर मैंने कल से ना कम से कम 5 बार कॉफ़ी पी है। फाइनली गाइस जिसके लिए मैं मॉल आया था मेरे को मिल गया, स्टैंड चाहिए था मेरे को, फाइनली 3,000 रुपये का फटका। जन्नत से बाहर, ओहो यहाँ पर कितनी गर्मी है, ओह फ्रीजर से ओवन में भाई बहुत गर्मी है। लैम्बोर्गिनी, वाओ दिस इज अमेजिंग। ओह भाई क्या एग्जॉस्ट लगा हुआ है। गाइस हमारे इंडिया में ना यार सही में अगर हमारी सुपर बाइक में एग्जॉस्ट लगा होता है ना भाई पूरा बवाल कर देते, बट यहाँ पर ऐसे ऐसे खतरनाक घोड़े हैं भाई, आवाज़ से बंदा पूरा टूट जाएगा। वो देखो वो 2-3 किलोमीटर चला गया बट अभी आवाज़ आ रही है भाई, खतरनाक मजे है यार दुबई में, बहुत सही। ये चक्रो कितनी खूबसूरत ब्यूटी है। यहाँ के लोगों में उड़ता हुआ तीर लेने का शौक नहीं है, अपने काम से काम वीडियोस बनाओ मस्त रहो, कोई आपको देखेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। एक बंदे को बहुत गंदा तीर लेने का शौक है। अभी आप समझ नहीं पा रहे होगे, अभी मैं ये मेरे को हर वक्त डिस्टर्ब करता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला कि मेरे को भाई बहुत सारे गंदे सीन हो जाते हैं लाइफ में, मेरे को कुछ पता नहीं है कब कहाँ जाना मेरे को पड़ता है। मैं दुबई में था, मेरे को इंडिया आना पड़ा, अचानक से भाई बहुत गंदा सीन हो गया लाइफ में। बस वापस आते टाइम मैंने व्लॉग शूट भी नहीं करा, बट जितना भी हो सकेगा मेरे साथ मैं कर पाऊंगा क्योंकि एक साइड से टेंशन होता है, एक साइड से व्लॉगिंग, तो हिम्मत नहीं हारनी है, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में। ठीक है, लाइफ का दस्तूर ऐसा है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। एक बात आप याद रख लेना, लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता। सब कुछ सीन हो गया लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, स्लो भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए ना अपने हल को यहाँ पे लाया, उसकी सर्विस करवाते हैं, इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं। 15 दिन से बैठी थी इसलिए कुछ काम नहीं किया है इसमें, तो ये चेक करो काला रू अब्जा। ये सीन हो जाएगा कम्प्लीट, देन हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे क्योंकि इस टाइम पर ना दिमाग का पूरा संतुलन बिगड़ गया है। ऐसी कंडीशन हो गई घर में अचानक, सब कुछ मेरा आईफोन का चार्जर भी दुबई में रह गया, सब कुछ सीन खराब हो गया लाइफ में। फिलहाल ये थोड़ा सा इसको हम गाइस इतने दिनों से बैठा था इसलिए मैंने इसको सोचा ऑयल चेंज करवाते हैं, कूलेंट भी चेंज करवाते हैं क्योंकि आपने देखा ब्लैक कलर का हो चुका है पूरा। सो गाइस ये चेक कर सकते हो, मोटुल आ चुका है, ये 4 बोटल डालेंगे अपने हल्क में। लास्ट टाइम हमें लिकी मोली डाला था, इस बार मोटुल ट्राई करते हैं।
इसको मैंने बोला था हमने थ्रोटल बॉडी क्लीन करवानी है, बट इसने बोला नहीं होगी यहाँ पर, बाकी इंजन ऑयल चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा भाई। जिसको भी सुपर बाइक का काम करवाना है वो यहाँ पे आओ, मगर थ्रोटल बॉडी क्लीन करने के लिए आपको जम्मू जाना पड़ेगा, बहुत खतरनाक काम है वो, ठीक है, पूरा बाइक खुलाना पड़ता है। तो गाइस कूलर भी निकल चुका है, ये चेक कर सकते हो, शरबती बुरबुर। अभी टाइम आ रखा है 8:23, अभी हल्का काम चल रहा है, फाइनली सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट, इंजन ऑयल एंड कूलेंट हमने चेंज कर दिया, इसमें कूलेंट था बट मैंने नया डाल दिया, बाकी आपने हल्क से अलग ही लेवल का प्यार है, इसलिए भाई इसको ठीक रखना है, हम ठीक हो जाएंगे, बट इसको भाई ये अलग प्यार है, बंदे बोल सकते हैं, जो जिस बंदे को बाइक से प्यार है वो बोल सकता है कि ये अलग चीज़ है। आवाज़ सुनाते हैं इनको प्यार भरी। खूबसूरत आवाज, अभी सारा काम हो चुका है कंप्लीट, अभी यहाँ से निकलते हैं हम घर की तरफ। मोटो व्लॉग मेरे को बनाने में मूड नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा परेशानी थी दिमाग में, उसके लिए बाइक को ठीक कर दिया, बस बाइक ठीक होगी तो मैं ठीक हो गया। फिलहाल के लिए अभी यहाँ से निकलते हैं, हमें पहुँचना है कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर, यहाँ से तो मैं भगा के रखूँगा, ठीक है, जल्दी से हेलमेट लगाते हैं, मिलते हैं आगे। टैटू रिमूव, जो चीज़ लाइफ में हो लिखी होती है तो अल्लाह ताला ने उसको करना पड़ता है पूरा। अल्लाह ताला ने लिखा था कि मेरा भाई मेरे को छोड़ के चला जाएगा, बट वो तो उसकी उसका भी टैटू था राहिल लिखा था, बट उसने मरने से पहले मेरे को बोला था ये रिमूव करना, मेरे को सब चीज़ें मजाक लग रही थी। बट अब एक चीज़ बताऊँगा कि हम सबको जाना है, ठीक है, लाइफ पर किसी को भरोसा नहीं है। मेरा दादा एक्चुअल में बीमार था, हम दादाजी को वीडियो उठा रहे थे, मैंने बोला राहिल को दादाजी के हर एक छोटे से छोटे वीडियोस को कैप्चर करके रखना, ये यादगार रहेगा, बट मेरे साइड से मेरा भाई चला गया, मेरे को ये पता नहीं थी। जितना भी हो सकेगा टैटूज रिमूव करो छोटे से छोटा। गाइज आई होप आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, सब लोगों का ध्यान रखे होंगे, प्यार से रहोंगे, लाइफ इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। मैं आया था दुबई से वापस अपने दादाजी के लिए, एंड वो दादाजी ठीक है मेरे, बट राहिल हमें छोड़ के चला गया, ये चीज़ बिलीव करना ना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। मेरे को ये सपना जैसा लग रहा है कि राहिल कैसे आया कैसे गया कुछ पता नहीं है, बट गाइज टैटू भी रिमूव हो रहा है, ठीक है, दुआएं करो आप राहिल के लिए जितना हो सकेगा, प्लीज़ उसको नमाज में दुआ करो जितना हो सकेगा उसको दुआ करो। बाकी भाई एक चीज़ बताता हूँ, किसी के लिए हेट नहीं है मेरी तरह से, ठीक है, अपना काम करो लाइफ में, बस यही लाइफ है, कौन कब छोड़ के चला जाएगा कुछ पता नहीं। अभी मैं बाहर निकला था, बट बहुत दिन के बाद आज मैं बाहर निकला, मन नहीं कर रहा है घर में बैठने को, क्योंकि वो दीवारें मेरे को खा रही है अभी, घर फैमिली के सामने ना बंदा रो भी नहीं सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा NH 44 पे आ गया, बाइक को भगा रहा था। हेयर इज़ हल्क, बाकी लाइफ इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, इतना सा भी भरोसा लाइफ पे मत रखो, आपको लगेगा वो ये चीज़ मगर बकवास, लाइफ बकवास है, हालत में ही चेक करो, लाइफ में पूरा मज़ा चला गया, ठीक है। राहिल ने लाइफ के साथ अपने जाते जाते ही साथ ना वो मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियां ले गया। किसी के लिए दिल में ना हसद मत रखो कि लाइफ में बंदा कब चला जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए जो बंदा जहाँ है प्यार करो अच्छे से रहो, कौन कब निकल के जाएगा तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। लास्ट के 5-6 दिन मेरे साथ बैठा था, अच्छे से था, प्यार से हमने बहुत गपशप मारे, मज़े किए, मेरे को नहीं पता था मेरे वो 5 दिन लास्ट होंगे राहिल के साथ। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहा है दिल से दुआ करो मेरे भाई के लिए राहिल के लिए, बस डिप्रेशन का पीक लेवल था, जिस बंदे को भी डिप्रेशन है उसको लग रहा होगा कि मैं अकेला हूँ, तो किसी से बात करो अपने डिप्रेशन को दूर करो, ठीक है,
बस इंशाल्लाह देखते हैं क्या होगा मेरा सीन, कैसा क्या रहेगा प्लान। तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाता हूँ। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे क्या सीन हो गया, बट जो भी है चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।